अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रिलीश रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन मीटबॉल पास्ता। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि पास्ता किस किस का फेवरेट है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप पानी में 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। पानी के बॉयल होने पर उसमें पास्ता डाल दें। ड्रेन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास्ता आपस में ना जुड़े तो इसमें ऑलिव ऑयल डाल दें और मिक्स कर दें। टोमेटो सॉस के लिए हम 4 मीडियम टमाटर लेंगे और उन्हें बॉईल करने के लिए रख देंगे। टमाटरों के नरम होने पर उनके छिलके उतार दें। पैन में ऑयल डालकर मीटबॉल्स को तल लें। अगर आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मीटबॉल की रेसिपी जानने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मीटबॉल के गोल्डन ब्राउन होने पर उनको निकाल दें। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। हॉट ऑयल में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। उसके गोल्डन ब्राउन होने पर उसमें टोमेटोज डाल दें। टोमेटोज को डालने के बाद उनको पोटैटो मैशर से मैश कर दें। उनको अच्छी तरह से मैश करने के बाद 2 मिनट के लिए पका लें। पकाने के बाद इसमें फ्राइड मीटबॉल्स डाल दें। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल दें। इसको 1 मिनट तक पकाएं। 1 मिनट तक पकाने के बाद इसमें पास्ता डाल दें। पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये दोस्तों आपका इटालियन मीटबॉल पास्ता तैयार है। आप भी बनाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।